हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर आवर। मेरा नाम है मीत। आज हम देखने वाले हैं कि चिली चीज टोस्ट या चीज चिली टोस्ट कैसे बनाया जाता है। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप तब बना सकते हो जब आपके पास ज्यादा टाइम ना हो, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस रेसिपी को हम एक ओवन के अंदर नहीं बल्कि एक पैन के अंदर बनाने वाले है, और पैन में बनाने के बावजूद भी ये इतना क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए देखते हैं चिली चीज टोस्ट कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं चिली चीज टोस्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। थोड़ी ब्रेड की स्लाइसेस, 1.5 कप ग्रेटेड चीज, मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज यूज कर रहा हूँ। फिर हमें चाहिए 2 से 3 फाइनली चॉप की ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबलस्पून बटर। इस रेसिपी में हम सॉल्ट यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि चीज में ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट रहता है। तो पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम 1.5 कप ग्रेटेड चीज में 2 से 3 फाइनली चॉप की ग्रीन चिलीज ऐड कर लेते हैं। फिर हम इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करके इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्रीन चिलीज या चिली फ्लेक्स या ब्लैक पेपर पाउडर डालने की वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या स्पाइसी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ली हुई है, तो इससे बेसिकली इसका जो तीखापन का जो टेस्ट है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा और ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हो तो फिर आप इसमें बेशक चिली फ्लेक्स या ग्रीन चिलीज वगैरह और ऐड कर सकते हो। ये देखिए, हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। तब हम ब्रेड की दोनों साइड्स पर थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेते हैं, और अब उन्होंने जो चीज़ का स्टफिंग बनाया हुआ था वो इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे इवनली स्प्रेड कर लिया है। इसी तरह हमें बाकी ब्रेड को भी रेडी कर लेना होगा। अब हम ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं। तो इस ब्रेड को हम एक पैन के अंदर रख लेते हैं और इसे हमें स्लो फ्लेम पर तब तक टोस्ट करना होगा जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाता। इसे हम कवर भी कर लेंगे ताकि जो चीज़ है वो ऊपर से अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे स्लो फ्लेम पर टोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पर टोस्ट करोगे तो नीचे से ब्रेड जल जाएगा और ऊपर का जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप इसे स्लो फ्लेम पर टोस्ट करें। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये ब्रेड अच्छे से टोस्ट हो चुका है, तब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए, चिली चीज टोस्ट रेडी है। ये देखिए, इसका चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसकी जो नीचे की साइड है वो भी जली नहीं है और एकदम ही क्रिस्पी बनी हुई है। ये देखिए, आप इसे खुद देख सकते हो और सुन सकते हो कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। लीजिए, हमारा चिली चीज टोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह हम बाकी के टोस्ट भी रेडी कर लेने होंगे। तो लीजिए, चिली चीज टोस्ट रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए।